बमीठा से हमारे संवाददाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट। लाखों का पेपरमेंट नगर सेठ के गोदाम से हुआ चोरी। चंद्रनगर के सुंदर सेठ के गोदाम से शटर का कुंदा तोड़कर अज्ञात चोर 650 किलोग्राम पेपरमेंट 7,80,000 रुपए के 11 कैन 4 जार के साथ गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरा भी उखाड़कर ले गए रात को चोर। 4 से 5 लोगों को मुंह पर कपड़ा बंधे, साथ ही बिना नंबर की सफेद रंग की पिकअप देखी गई थी। चोरी की वारदात रात 1 बजे से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। चंद्रनगर से आए दिन चोरियों की घटनाएं हो रही, पुलिस अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रही है। बमीठा से हमारे संवाददाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट। सागर से हमारे संवाददाता अनिल वर्मा की रिपोर्ट। गुमशुदा बेटे के नाम मिलने पर गांव वालों ने सुनाया कर्मकांड करवाने का फरमान, परिजन नहीं माने तो कर दिया समाज से बहिष्कार। सागर जिले के बांद्री थाना क्षेत्र के हिनौता गांव में एक परिवार को सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। पिता 1 साल से अपने पुत्र की तलाश में दर दर भटक रहा था। वहीं गांव के लोग लापता पुत्र को मृत मानकर परिजनों को गंगा पूजन और तेरवी करने का दबाव बना रहे थे। बेटे के लापता होने पर पीछे गांव के 2 ट्रक ड्राइवरों पर शंका के चलते पुलिस से शिकायत की गई, पर कोई नतीजा सामने नहीं आने पर पीड़ित परिवार ने हैबियस का जो है बालक 1 ट्रक में बैठ के नरसिंहपुर चला गया था, काम करने गया था, इनको बता के गया था। नरसिंहपुर में 2-3 दिन काम करने के बाद ये गायब हो गया। इस पे से इन्होंने शिकायत की और शिकायत पे से चूंकि बालिक था गुम इंसान कायम हुआ और उसकी जांच जारी है और इसमें एक SIT का भी गठन किया है, परंतु गुम इंसान का कोई पता नहीं चला है। मीनवाइल इन्होंने आज छतरपुर से हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। 75 वर्षीय वृद्ध महिले का कुएं में मिला तैरता हुआ शव। गुरुवार की रात को खाना खाकर अपने कमरे में सोने गई थी वृद्धा, और शनिवार की सुबह वृद्ध महिला के नाती ने कुएं में तैरता देखा दादी का शव। थाना नौगांव के अंतर्गत ग्राम सिंगरावन कला निवासी धनीराम विश्वकर्मा की 75 वर्षीय वृद्ध मां घर के सामने कुएं में तैरता हुआ शव मिला तो हड़कंप मच गया। गुरुवार की रात चिरंजी बाई खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई थी। जब शुक्रवार की दोपहर तक नहीं दिखी तो परिजनों ने गांव सहित सभी जगह तलाश की, लेकिन वृद्ध महिला का कोई पता नहीं चला। शनिवार की सुबह 9 बजे लगभग चिरंजी बाई का नाती सतीश विश्वकर्मा ने कुएं के पास देखा तो एक